जब खेत में ट्रैक्टर से कटकर हुई नाग की मौत और फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना पंजाब के एक गांव की है, जहां सालों पहले इस गांव में एक नागिन ने अपना ऐसा कहर बरसाया जिसको आज तक लोग नहीं भुला पाए। दरअसल सालों पहले एक नाग नागिन का जोड़ा यूं ही घूमता घूमता इस गांव में आ गया। उन्हें जब गांव में कोई जगह सुरक्षित नहीं लगी तो वो खेतों की तरफ चले गए। ऐसे में गांव का रहने वाला सूरज नाम का एक व्यक्ति अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई कर रहा था, तभी नाग नागिन का जोड़ा तेजी से रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो नाग जहां दाई तरफ था तो वो नागिन बाएं तरफ चल रही थी, तभी अचानक से वो नाग सूरज के ट्रैक्टर के नीचे आ गया। सूरज को वो नाग नहीं दिखाई दिया और वो अपना काम करता जा रहा था। वहीं नागिन ने ये सारी घटना देख ली और उसकी आंखों में सूरज का चेहरा उतर गया था। फिर नागिन अपने नाग के पास गई और सिर पटक पटक कर खुद को मारने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक नागिन अपने नाग के पास बैठकर रोती रही। इसके कुछ ही देर में सूरज फिर से उसी जगह से अपना ट्रैक्टर चलाकर निकला जा रहा था। मौका पाकर नागिन सूरज के ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से पर चढ़ गई और ट्रैक्टर के साथ ही सूरज के घर पहुंच गई। दोपहर का समय था, सूरज घर खाना खाने के लिए पहुंच गया था। जैसे ही सूरज ट्रैक्टर से नीचे उतरा तो नागिन उसके पैर पर डस लेती है। इसके बाद सूरज की पत्नी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। वो नागिन सूरज के पास फन फैलाकर बड़े ही गुस्से से अपने नाग का बदला लेने के लिए बैठ गई थी। वो किसी को भी सूरज के पास जाने नहीं दे रही थी। अब सूरज के शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका था और सूरज ने वहीं पर इस जहर के कारण अपना दम तोड़ दिया। वहीं गांव वासियों ने नागिन को डंडे और आग से जलाकर वहां से हटाने की कोशिश करी, लेकिन नागिन तस से मस नहीं हुई और सूरज के पास ही बैठी रही। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि यदि ये नागिन यहां से नहीं जा रही है तो उसको जलाकर गांव से दूर किसी सुनसान जगह पर दफन कर दो। गांव वालों ने उस बुजुर्ग की बात सुनकर वैसा ही किया। उस नागिन के आसपास लोगों ने पेट्रोल डालकर उस पर माचिस से आग लगा दी। देखते ही देखते वो नागिन उस आग में जलकर राख हो गई और फिर गांव वालों ने उस नागिन को डंडे से उठाकर गांव के एक सुनसान जगह पर जाकर उसको जमीन में गाड़ दिया। तब जाकर उन गांव वालों की जान बची और सूरज के पास उसका परिवार गया। कुछ ही देर में सूरज का भी अंतिम संस्कार किया गया। तब से आज तक उस नागिन का कहर हर किसी को याद है, क्योंकि उस नागिन को देखकर लग रहा था कि वो नागिन सभी की जान लेना चाहती है, लेकिन सही समय पर लोगों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानकर समझदारी दिखाई और कई लोगों की जान बचा ली। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दे। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।